और विजुअल्स जिस तरीके के किए हैं बहुत कम फिल्मों में ऐसा देखने को मिलता है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आज इसका ट्रेलर लॉन्च है और ये खड़े हैं सारे तो मीडिया है, तारीफ करनी ही है, लेकिन वाकई में इसने हिला के रख दिया है प्रोमो ने, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि पिंजरे की तितलियाँ टाइटल भी कमाल है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये जितनी भी तितलियाँ हैं एक पिंजरे में, ये भाई साहब के पिंजरे में बंद हैं, भंवरे आते रहते हैं थोड़ा सा ऐसा, लेकिन इतना खतरनाक होगा मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने इसकी तारीफ सुनी थी पहले, मैंने इसके शॉर्ट फिल्में देखी हैं पहले, मैं इसका मतलब वैसे ही दीवाना हूँ, बहुत बहुत फ़ैन हूँ, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसकी शॉर्ट फिल्में देखी हैं जो कि इतने कम समय में इतना छोटे से पीरियड में, गागर में सागर जिसको बोलते हैं कहानी का है ना, तो इस पिंजरे की तितलियों का इंतज़ार मेरे को बहुत मतलब बेसब्री से रहेगा। मैं ज़रूर देखूंगा जहां भी होगा, खूब प्रमोशन करूंगा जितना हो सकेगा, जहां भी हो सकेगा हर जगह इसको मैं प्रमोट करूंगा, क्योंकि ये अंदर से निकली हुई फिल्म है, अंदर से कलेजे से चीरती, कलेजे को चीरते हुए जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं वो वाले सब्जेक्ट है और वही वाली चीज़ें हैं, डायलॉग भी इसके हर चीज़, इनका परफॉर्मेंस देख के मैं हिल गया, इतना स्ट्रेंग, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रेंथ है इनके अंदर कमाल की। तो ये तितलियाँ नहीं, मुझे तो कई बार तो मतलब मुझे लगा ये तितलियाँ नहीं है, ये तो भाई बहुत भयंकर है। तो पावर, पावर ऑफ परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस की जो पावर है वो कमाल है, बहुत ही अभी तक मुझे वो, अब कई दिनों तक ये विजुअल जाएंगे नहीं, वो ब्लड का जाना एक बूंद से वो जाना, और वो जिस तरीके के विजुअल वहाँ वो लड़की बाहर निकली है कुछ करके और वो देख रही है सामने वो सिलबट्टा पड़ा है, ये विजुअल बहुत दिनों तक पेंटिंग की तरह लग रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो मैं अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात करते हुए, क्योंकि वाकई में ये विजुअल बहुत टाइम तक अंदर रहने वाले हैं, काफ़ी टाइम तक, बहुत दिन लगेंगे इसको निकलने में। तो सबको बहुत बहुत बधाई हो, और रोनित भाई तुमको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा काम किया है जितना भी देखा है, बाकी सबका तो काम अच्छा है, तितलियों का तो भंवरों का भी तो बोलना चाहिए भाई, तो सबको बहुत बहुत बधाई, तरण को भी बधाई, आपको भी अभिषेक को, सबको बधाई, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, 10 में से 10 नंबर हैं, 15% जो है पॉइंट 15 वो क्यों रखते हैं ताकि हमको कोई बेवकूफ़ ना समझ ले, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रियली जी। पहले आप सर से, नहीं आप कर लो बात, मैं खड़ा हूँ, आई एम हियर ओनली, तो नहीं 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 बता बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ, आप बताइए क्योंकि आप, मैं सुनना चाहता हूँ। जैसे कि सर ने कहा कि ये बहुत सेंसिटिव है, एक्चुअल में सेंसिटिव है, मैं जो आपसे, बिकॉज आज के समय में हम लोग बहुत ज़्यादा महिला सशक्तिकरण पर बात करते हैं, लेकिन सशक्तिकरण इन व्हाट सेंस अगर हम बात करें, कि क्या वो सिर्फ आर्थिक आधार पर है या सिर्फ जेंडर रोल्स की बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, जैसे मैंने उसमें भी कहा कि घर आराम गाह होती है किसी के लिए भी, आप घर का जैसे सोचते हैं तो आपको एक सुकून के बारे में महसूस होने लगता है, लेकिन ये कैसे एक घर ही ऐसी जगह है जो नर्क से भी बदतर, आप समझ रहे हैं कि एक घर है जिसके अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं, देयर इज़ अ प्रोस्टिट्यूशन इन द हाउस, और वो भी उनके घर के मेम्बरान ही वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक शॉकिंग है कि ये आप अपना घर छोड़ के कहीं जा सकते हैं, लेकिन आप जिस घर में रह रहे हैं वहीं सब कुछ हो रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे, तो आपको जाने के रास्ते नहीं, वो सब कुछ बंद है। तो ऐसे एक्चुअल में बहुत इंडिया में बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है, जहाँ से मुझे ये जो सब्जेक्ट मिला, मैं राजस्थान में मैंने मेरी स्कूलिंग की है 9वीं से जो 12वीं है, उस दौरान मैं काफ़ी इस तरह के लोगों से मेरी मुलाकात हुई या इस तरह की चीज़ें हुई, जिन चीज़ों ने मुझे, जब जो चॉइस की बात है, मतलब जो मैं अगेन ही बात करता हूँ, आज के हम चॉइस की बात करते हैं कि जो नो मीन्स नो, यस मीन्स यस की जो एक पॉइंट है, उस पर इनके पास वो ऑप्शन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोई उस घर में रहने वाला व्यक्ति वही सब करेगा जो घर के बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं बैठना चाहती, बट उसके सामने कोई रास्ता भी नहीं है कि वो हट भी नहीं सकती। मैं तो एक कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहा हूँ, ट्रेलर देख के ही मुझे घुटन हो गई इस घर से, घुटन हो गई वाकई, तो फिल्म देख के क्या हाल होगा, मतलब वो ये सही में बिल्कुल ऐसा लगता है जेल के अंदर है यार, क्योंकि आप इसको कोई भी बाहर का कुछ नहीं मिलेगा, ये हमारा चैलेंज ही ये था कि हम एक घर में कि आपको घुटन महसूस करा दें, या आपको लगे अरे यार ये इससे बाहर कैसे आऊँ मैं, बिकॉज हमारे कैरेक्टर्स भी बाहर नहीं आ रहे,
और वो कहीं उनको रास्ता भी नहीं, तो दैट्स द होल पॉइंट। सर देखिए, अभी मैं हरियाणा से हूँ एंड हरियाणा में रोहतक मेरा घर है, और सर खुद एक फीचर फिल्म बना चुके हैं यशपाल सर, इनकी जो फीचर फिल्म दैट इज़ एन रीजनल एंड दादा लक्ष्मी चंद, तो वो फिल्म इन्होंने, बेशक ये एक नामचीन कलाकार हैं, यहाँ बॉम्बे में स्थापित हैं, सारी चीज़ें हैं इनके पास, लेकिन एक रीजनल पॉइंट पर जब जाकर आप काम करते हैं, उस मिट्टी में जाकर काम करते हैं, तो वो मुश्किलें उधर भी हो जाता है, तो वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट कलाकार ये भी हैं अगर आप देखेंगे तो। जितना मुश्किल इनके लिए रहा होगा उतना मुश्किल हमारे लिए भी रहा होगा, पर बात यह है कि आप अपने प्रोजेक्ट से झूठ ना बोलें, बिकॉज ही वॉज मेकिंग अ बायोपिक, आई एम ऑल्सो मेकिंग अ बायोपिक फॉर अदर्स, मतलब मेरा ऑटोबायोग्राफी नहीं है, इनके पास जो है वो भी एक कैरेक्टर का ऑटोबायोग्राफी है, बट लेकिन ये मुश्किल दोनों के लिए, बट इंडिपेंडेंट फिल्मों को सपोर्ट करना ये तो जनता के हाथ में, अगर आप इसे देखें, बिकॉज क्रिएटर का कोई एक लिमिट नहीं होता, मतलब आप, आपको आज शायद ये सब्जेक्ट आपने सोचा होगा बड़ा मुश्किल रहा होगा, अभी कितना मुश्किल हो गया तो बनाने में करने में उस प्रोसेस को, उतना मेरे और आपका भी बहुत हेल्प चाहिए इसे, बिल्कुल ये है, मतलब ये इन सब्जेक्ट्स में पब्लिक इज़ द मेन, मतलब अगर आप ये देखेंगे कि इवन द मीडिया इज़ देयर, कि अगर वो इसके बारे में बात करना चाहती है तो लोग भी बात करेंगे, तो मतलब वो इक्वल हम लोग एक ही पेज पर, ये नहीं है कि हमें कुछ ज़्यादा करना है या आपको कुछ कम करना है, तो हमें वही दोनों चीज़ें। या प्लीज मोहन कान जी जिन्होंने खब्बी खान का कैरेक्टर किया, एंड आई एम सो थैंकफुल कि इन्होंने सिर्फ मेरा स्क्रीन प्ले सुनकर मुझे यस कहा। तितलियों के पिताजी तो खब्बी खान जी ने मेरा सिर्फ स्क्रीन प्ले नरेशन के बाद ही सेड यस टू मी। मैंने उनको वो सारी समस्याएं बताई कि बीइंग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर मेरे पास उस तरह से बजट नहीं है, या मैं आपको वो सब चीज़ें नहीं, और आप कमाल की बात देखिए, हरियाणा में जून की गर्मी में हमने ये फिल्म किया, विच इज़ लाइक 44 to 45 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, 48 आई थिंक इट वॉज 48 सारा क्यों बता रहे हैं, 48 भी बता दिया, चैलेंजिंग था, अरे वो मेमोरेबल है, वो भूल नहीं सकते वो, बिल्कुल हमें उस समय सर के लिए ट्रॉमेटिक लग रहा था, सारी अच्छी फिल्में 48 डिग्री में ही होती है, लगान थी, लगान हो, दादा लक्ष्मी हो, पिछलियाँ हो, सब। तो दिस इज द हार्ड कोर की आर्टिस्ट का जो आपको एक सपोर्ट मिला, एंड बीइंग अ सीनियर, बिकॉज मैं न्यू कमर हूँ, एंड आई एम ऑल्सो लाइक, ठीक है मैं एक फिल्म स्कूल से पास आउट हूँ जहाँ सर ने हमारी शॉर्ट फिल्म्स को भी देखा है, कभी रिव्यू किया, बिकॉज इज ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा, लेकिन अब हम देखेंगे हरियाणा से एक लोग निकल रहे हैं एंड इस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसी में जब सर इज़ अ वेरी सीनियर गाय एंड इज़ ऑलरेडी वर्किंग, मतलब इन्होंने जो अभी करंट मीडिया में भी जो काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, इनकी फिल्में लव हॉस्टल आप देख सकते हैं, इज़ ऑलरेडी प्लेइंग अ ग्रेट पाइटल रोल, तो इन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं, उसके बावजूद एक नए आदमी को सपोर्ट कर दिया, तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि सर आप आर्ट को कोई बायस नहीं हो रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, तो ही इज़ लाइक आई एम वेरी मच थैंकफुल। गीता सरोहा एंड शी इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ रूही, और आपने ट्रेलर में उनकी दमदार परफॉर्मेंस देख ही ली थी, बिल्कुल पहचानने में भी, मतलब मैं बोल रहा ना हिला के रख दिया, बोला तू मेरी बहन जैसी है और तू बहन चोद, क्या डायलॉग यार, किसने लिखा है, सैल्यूट है उसका, क्या बोल, नहीं था सर, क्या बात, मेरी करतू तो आई एम सॉरी सर, एंड रुचिता देवल प्लेड कैरेक्टर ऑफ, हाँ ये सो रही थी, वो ये सो जाती थी सेट पे, तो इनको नींद बहुत पसंद थी, तो रुचिता देवल प्लेड द कैरेक्टर ऑफ रुखसार, तो इन्होंने जो रुखसार का कैरेक्टर किया, एंड रौनित जो है, आइए रौनित, रौनित प्लेड कैरेक्टर ऑफ नवाब, मैं पीछे से बात कर लेता हूँ। चैलेंज तो था करेक्टर को खुद अपने आप में प्ले करना, बिकॉज जब आप जिस एनवायरनमेंट को आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होता है, लेकिन उसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिचुएशन को समझना और वो प्ले करना, तो वो थोड़ा मुश्किल था, और
पर इसमें आशीष ने काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, बिकॉज आशीष एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो नरेशन ही इतने अच्छे से देते हैं कि आप पूरा विजुलाइज कर लेते हो कि अच्छा कौन सा सीन उनको कैसे चाहिए. तो उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प रही क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से स्टोरी भी सुनाई थी और वो क्या चाहते थे उस करेक्टर से, उस करेक्टर को उन्होंने कैसे क्या सोच के लिखा था. और सेट पे भी होता था, अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो उनसे डिस्कस करते थे कि भाई ये जो सीन है पर्टिकुलर आपका, आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है. तो मतलब फाइनल कॉल जो होती थी वो उनकी होती थी. और बस हाँ, मतलब मैं मोस्ट चैलेंजिंग अगर बात करूँ तो उसी की होगी कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ से आप भागना चाह रहे हो पर आप भाग भी नहीं सकते हो, बिकॉज प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसी प्रोस्टिट्यूट जो होती है वो किसी की बीवी या किसी की गर्लफ्रेंड नहीं होती है कि उनके साथ कोई बहुत प्यार से सलूक कर रहा हो या कर रहा हो. वो मतलब कैसा भी इंसान उनको मिल सकता है. तो उस ट्रॉमा को सोच के कि उस ट्रॉमा में वो जा सकती है, वो ट्रॉमा, वो साइकोलॉजिकल स्टेट, वो इमोशनल स्टेट, और उस सिचुएशन के आगे घुटने भी नहीं टेकने हैं, रिबेलियस है, उसको किसी भी तरीके से यहाँ से भागना है, वो सारा सोचा, करेक्टराइज किया और प्ले किया. बाकी देखते हैं कैसा लगता है बाकी सबको. सर वो तो गेटअप का तो ये होता है ना कि स्टोरी की जैसी डिमांड है आपको वैसे ही जाना पड़ेगा. वो सोया हुआ सीन अच्छा लगा नहीं. सर सोने को बहुत कम मिलता था ना, पर सीन ऐसे मिल जाते थे जिसमें सोना मिल जाता था तो अच्छा हो जाता था. अच्छा, वो मेरी दीदी. फिलहाल तो बहुत चैलेंज था इसको लेके, इस फिल्म को लेके, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, जाट फैमिली से हूँ. इस किरदार को करना और इसकी परमिशन मिलना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. लेकिन फैमिली का सहयोग था मेरे साथ, भाई था, मम्मी पापा थे, तो मैं कर पाई इस चीज़ को. और ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ करना है. मैं आशीष एक फिल्म के सेट पर हम लोग मिले और वहाँ से हमारी बातचीत हुई. आशीष ने मुझे कहानी बताई तो मुझे लगा कि ये कहानी करनी चाहिए. उसके बाद मैंने घर पे डिस्कस किया तो उनको भी लगा कि हाँ ये कहानी करनी चाहिए. तो मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था और ऐसा चैलेंज मेरे को हो रहा था मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा किरदार कभी नहीं किया था. लेकिन एक जो डायरेक्टर होता है वो एक जादू की छड़ी होती है, वो मैजिक करती है और एक्टर कुछ और ही हो जाता है. तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस कर पाऊँगी और ये सब चीज़. जैसे उसने मेरे को ब्रीफ किया कैरेक्टर को, रीडिंग हुई हमारी उस पर, तो मैं भी अब शॉक थी कि हाँ इतना अच्छा निकल गया है. बहुत बढ़िया, ऐसा देख के लगा नहीं फिल्म देख रहा, ऐसा लग रहा ओरिजिनल कुछ हो रहा है. मतलब जो ओरिजिनल सीन हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं सर, जो आपने दूसरी तरह से अभिनय किया तो माइंड को ऐसा लगता है कि घर के दूसरी तरह से घर पर चल रहा है लोगों का. इस तरह की आप लोग सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये फिल्म से. इस फिल्म से जुड़ने का बहुत बड़ा रीज़न था आशीष सर और उनका नरेशन. जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उस स्क्रिप्ट में हम एक कैरेक्टर के इमोशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, या कुछ हम लोग सोसाइटी को कुछ देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर ऐसे स्क्रिप्ट में, और आशीष नेहरा सर का मैंने काम देखा हुआ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे. और अभी भी आप देख रहे हैं सर ट्रेलर, मेरे को बहुत अच्छा लगा. बेसिकली हम सबको जोड़ने वाला आशीष है बिल्कुल. और हम ये पाँच कैरेक्टर्स जो है वो बहुत ही खुश हैं इस कॉन्ट्रीब्यूशन जो सोसाइटी का मिलेगा, उस कंट्रीब्यूशन में एक हिस्सा. श्रीवास्तव जी बोलिए, पूछिए. थोड़ा सा वायलेंट कंटेंट है और म्यूजिक भी है, तो क्या ये थिएटर्स में रिलीज करने वाले हैं या? हाँ, थिएटर में करेंगे रिलीज, हम कुछ थिएटर में रिलीज करेंगे. आसान तो कुछ भी नहीं होता है, आसान क्या है, कुछ भी नहीं है, सब मुश्किल है. करेंगे, लेकिन ये ऐसी नब्ज पकड़ रहे हैं जो हाँ. पकड़ में नहीं आएगी. नहीं नहीं, ये मेरी नब्ज क्या पकड़ेंगे. नहीं नहीं, एक्चुअली देखिए मुश्किलें तो आएंगी ही, उससे क्या करना है यार. लेकिन वही है ना, हाँ. मैं एक बात का जवाब देता हूँ. हाँ. आजकल अच्छी फिल्म बनाना आसान है, उसको रिलीज करना बहुत मुश्किल है. और एक फिल्म अभी आप लोगों ने अगर सुनी हो, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ. हाँ. जी सर. इस फिल्म ने एक, हमारे साथ हैं राहुल दैया, डायरेक्टर हैं एंड बहुत अच्छे राइटर भी हैं. इनका फिल्म आया था जी कुत्ता से, एंड अगेन ही हेल फ्रॉम हरियाणा. और उसके बाद अभी इनका वेब सीरीज़ आ रहा है जिसमें मुझे इनके डायरेक्शन में एक्टिंग करने का चांस मिला.
तो दो डायरेक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ खतरनाक अच्छा तो करेंगे अच्छा करेंगे या ट्रेलर के बारे में नहीं नहीं आप सीन द ट्रेलर बिफोर सो आई ऑलवेज फाउंड इट very very amazing and it's shot in Rohtak I think in Rohtak I'm actually looking forward to I keep asking him to show me the film par bol raha hai 15 din mein 10 din mein they're going to show us the film trailer is just something which makes you feel like watching the film yeah that's what happened to me and I'm looking forward to watching the film it's very beautifully shot and performances are like super wo dekh rahe hain ki taraf ki agle mein hum cast hone wale hain to Okay, my best wishes. Thank you, thank you. Entire team. Thank you so much. And thank you so much. Another talented director is here. You would like Krishan Hooda ji. Krishan Hooda. Sir ki film mein maine kaam kiya hai. Malhotra. और जो हमारी फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी हुई थी और वहाँ से मेरी इनकी मुलाकात है और मैं इनको जानती हूँ वो काम करके जो मैं हरियाणा से हूँ और मुझे नहीं पता था कि मल्होत्रा का मतलब क्या होता है मल्होत्रा का मतलब इन्होंने मुझे बताया था तो अभी ये बताएंगे कि आपकी फिल्म का ट्रेलर आपने देखा तो आप क्या हाँ ये कृष्ण हुड्डा जी हैं इनकी पहली फिल्म में मैं भी था बहुत बढ़िया फिल्म रजनीश के ऊपर भी इन्होंने द रेबेलियस फ्लावर इनका फीचर फिल्म जो रजनीश ओशो पर उन्होंने फिल्म यार मेरे को बहुत इंट्रीगिंग लगा ये जिस तरीके से स्पेशली मैं कुछ एक और चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगा बिकॉज आई एम ए बिग फैन ऑफ सिनेमाटोग्राफी विजुअल्स मेरे को बहुत पसंद है तो जिस तरीके का जैसे ये सामने भी जो लगा हुआ है ये विजुअल्स हैं सारी चीज़ें सो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ तारकोवस्की मतलब ये थोड़ा पता नहीं ओवर तो नहीं कर दूंगा मैं लेकिन बट स्टिल जिस तरीके की जो फ्रेमिंग है जिस तरीके के जो कैरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन है हाँ तो वो पेंटिंग जैसा ही फील आ रहा था जिस तरीके से कंपोज किया कैरेक्टर्स को सारी चीज़ों को सो वो मेरे को पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा और जो इंटेंसिटी है कैरेक्टर्स की जिस तरीके से बात कर रहे हैं जो ड्रामा क्रिएट हो रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को सो आई एम वेरी क्यूरियस कि देखते हैं जो भी वो होगा बिल्कुल सो वेरी हैप्पी कितने और वो भी एक सिंगल लोकेशन में बनाया है तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था जो अकम्प्लिश हुआ है सो आई एम रियली हैप्पी कि हमारे यहाँ से चीज़ें हो रही हैं मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आशीष के बहुत लंबा बोलने की तो वो डिलीट कर देंगे नहीं कोई बात नहीं आशीष के आशीष नेहरा के साथ काम करने का ये फायदा है कि आशीष खुद भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं तो वो तो मतलब उनके साथ ना और मज़ा आता है काम करने में मैंने नहीं नहीं हमेशा आर्टिस्टिक फिल्म नहीं और रियलिस्टिक के अलावा भी बनाते हैं इनके जोन कमर्शियल भी काफ़ी लिखते हैं ये राइटर भी बहुत अच्छे हैं एक्टर भी है राइटर भी है डायरेक्टर भी है सर कर चुकी हूँ उसके साथ पहले एक शॉट हाँ दूसरी ये बात हो चुकी है थैंक यू सो मच थैंक यू